हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड हनी। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे मेरी शादी की जर्नी की। मेरी शादी कैसे हुई और किन हालातों में हुई। हालांकि हुई तो बिल्कुल टिपिकल अरेंज मैरिज ही हमारी, कोई लव मैरिज नहीं है, टिपिकल अरेंज मैरिज बिल्कुल। लेकिन कैसे हुई, क्या हुआ, बहुत हड़बड़ी भड़बड़ी में जैसे भी हुई, मतलब जो भी हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। आज अपनी स्टोरी बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको ज़रा अपनी शादी की एल्बम दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग, मतलब आपको दिखाऊंगी भी और साथ में बताऊंगी भी कि कौन है क्या है, ठीक है ना। तो शुरू करें फिर। तो गाइस, ये है मेरी शादी की एल्बम, विमल वेड्स हनी। ये तो खैर आप खुद ही पढ़ लोगे, मुझे जरूरत नहीं है वैसे पढ़ने की, फिर भी मैंने पढ़ दिया आप लोगों के लिए। ये मेरी इंगेजमेंट के टाइम का फोटो है। इंगेजमेंट मेरी बहुत सादा साधारण तरीके से हुई थी और जल्दीबाजी में हुई थी, इसलिए एकदम बिल्कुल एक तरीके से साधारण सब दिख रहे हैं। कोई भी कुछ फैंसी नहीं, कुछ नहीं, बस एक मेरे 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 ताऊ जी हैं आगरा में, उनके घर पे हमारी ये हुई थी इंगेजमेंट। ऐसी छोटी मोटी सेरेमनी कर दी थी, बस रिंग सेरेमनी छोटी मोटी हो गई हमारी, तो जैसे सबकी बड़ी बड़ी होती है। मेरे भाई की जैसे खूब ग्रैंड की थी, और मेरी बहन की शादी होगी तो उसकी भी ग्रैंड होगी, लेकिन मेरी इतनी शादी झटपट झटपट करी है, तो इंगेजमेंट तो खैर ऐसी हुई है बिल्कुल सादा सिंपल सी। और ये टीके का है, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना देखने के लिए। ये वो वाला रसम होता है जो जीजा जी लोग, मतलब मेरे जो नंदोई हैं दोनों लोग, उन्होंने इनको कपड़े वपड़े पहनाए थे, वो दूल्हे को जो पहनाए जाते हैं, वो सब वो वाली रसम चल रही है यहाँ पे। ये छोटे वाले नंदोई है, मेरे बड़े वाले हैं। और ये मेरी सासू माँ है ये, और ये पति देव है। इनके बारे में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये हस्बैंड है या कौन है, तो ये हस्बैंड क्लियर कर दें। और ये वो वाला रस्म है जो भाभी वो जो करती हैं, जो आंखों में कुछ लगाती हैं काजल वाजल, वो उनकी भाभी कर रही हैं। ये घोड़ी चढ़ रहे हैं अभी। ये माँ और बेटा जब मंदिर जाके कुछ पूजा पाठ करते हैं, वो चल रहा है कुछ। अरे इतना नाचे ये लोग भाई, इतने नचोड़े एक नंबर के यार, सही में मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा भैया, मतलब रात के 12 बज गए, इनका नाच ही नहीं खत्म हो रहा, यहाँ तंग आ गए, इतना डांस हुआ है। ये सारा खानदान जो है ना, सारा डांस ना इनकी शादी के लिए बचा के बैठा था। यहाँ तो दिमाग खराब हुआ जाए, इतना भारी लहंगा, इतना मेकअप, इतनी ज्वेलरी और लाद के बैठे वहां पे, और इतनी क्या बता, किसको क्या बता, क्या बोल सकते हैं, मतलब कि इतने क्यों, मतलब नाचा नाच नाचा नाच लगे पड़े ये लोग तो नाचने में। यहाँ भी ये लोग डांस ही कर रहे हैं, यहाँ भी ये लोग डांस कर रहे हैं। इनके सारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे ना, रिलेटिव, इतना डांस, बाप रे, घर से शुरू हुए यहाँ तक आते आते 3 घंटे तक लोग डांस ही करते रहे। कुछ लोग तो डांस कर करके बीमार पड़ गए, सोचो, लिमिट ही नहीं है डांस करने की। यहाँ भी डांस करते हैं भाई, लेकिन इतना कौन नाचता है भाई कि तंगी कर लो बहू दुल्हन को आने वाली। ये देखो डांस ही डांस, डांस नहीं खत्म हो रहा, मतलब सब वीडियो हुआ, ये हुआ, एल्बम हुआ, सब डांस से भरा पड़ा है। हम कम नजर आ रहे हैं, डांस ज्यादा दिख रहा है। ये इनकी सिस्टर्स हैं, ये बड़ी, ये छोटी वाली, ये मेरा भाई है। ये जो वो जो होता है ना टीका वाला, थोड़ा वो वाला भी मेरे भाई ने किया था, और वो जो ये एंट्री पे दूल्हे के करते हैं, वो भी मेरे भाई ने किया है, क्योंकि आखिर भाई करता है ना, साला ही करता है ना, तो वो ऐसा कर रहे हैं। और ये मेरी एंट्री देखो, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेकअप मुझे जमा नहीं था, मतलब मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा था मेरा मेकअप, इसलिए मेरा मन भी नहीं लग रहा था कहीं भी, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था मेरे फोटोज पता नहीं कैसे आएंगे। पर फिर भी ये देखो सामने से देखो, ये देखो, ये देखो क्लोज अप। मेरी शादी की एल्बम आपको कैसी लगी मुझे बताना जरूर। और एक आधी चीज और है, ये मेरा, ये है, ये मेरे मम्मी, मेरे पापा, मतलब मेरे इन लॉज खड़े हैं ये, और ये मेरी सिस्टर है, ये मतलब ये इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं। इन्होंने इतना बड़ा रसगुल्ला मेरे मुंह में रख दिया, जबकि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मैंने ये बदला ले लिया इनसे। मैंने भी इतना बड़ा कुछ रख दिया इनके मुंह में, मुझे उस स्वीट का नाम नहीं पता, पर रख दिया मेरे को जो नजर आया। और ये मंडप पे जो भाई कुछ करता है, वो मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, पर करता है कुछ ना कुछ। और उसके बाद ये इनके छोटे वाले जिया जी, वो भी मंडप पे कुछ कर रहे थे, वही जो करते हैं भाई। और ये पूरी एल्बम में सबसे सैड पार्ट है मेरे लिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है देखना, इसलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और ये जो चीजें कराई हैं मुझसे, ये मुझे इतना गंदा लगता था, मतलब ऐसा लगता था यार ये क्या है, मतलब ऐसे कौन करता है, मुझे पता नहीं कैसा फील आ रहा था। ये ऐसे करो, हाथ वैसे करो, मेरे को बिल्कुल नहीं जमा।
ये मेरे रिसेप्शन के टाइम का है, लेडी संगीत जिसे बोलते हैं। तो ये मेरा वहां उस दिन का फोटो है। ये उस दिन भी बहुत डांस हुआ भाई साहब, डीजे पे बहुत डांस हुआ। ये अपने अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, फिर इन्होंने हमको भी डांस कराया, फिर जो हमने डांस करा तो फिर भैया सीटियां बज गई। खैर बजनी चाहिए यार, मैं तो मतलब अलग ही मतलब बिल्कुल। और ये मेरा भैया है, मेरे एक मेरे कजन ब्रदर हैं, ये हस्बैंड, ये भी कम नहीं है, खूब डांस करे हैं इन्होंने भी। एक अरे भाई आखिर हम मिले इनको तो इतना डांस तो बनता है, खुशी के ठिकाने नहीं थे इनके। ये सब भी डांस डांस पूरे टाइम डांस डांस डांस। ये मेरे मम्मी डैडी ने भी डांस किया था, क्योंकि इनके भी खुशी के ठिकाने नहीं, इन्हें लग रहा वो लड़की निकल गई भैया। हाँ नहीं तो ये नहीं, थोड़ा दिन रह लेने देते अपने पास ना, चैन नहीं था इनको भी। चलो कोई बात नहीं, चलिए भाई तो हमारी एल्बम का तो एंड हो गया है, खत्म हो गई। हाँ खत्म। आपको मेरी एल्बम कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और अब हम बात करेंगे अपनी। कैसी लगी आपको मेरी एल्बम मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अब मैं आपसे बात करती हूँ मेरी शादी की, कि मेरी शादी कैसे हुई थी, कैसे कितनी हड़बड़ी में हुई थी या क्या हुआ था। तो मेरे डैडी को मेरे आगरा वाले ताऊ का कॉल आया, जो मेरे ताऊ रहते हैं आगरा में, उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 3 लड़के हमने देखे हुए हैं, तो तुम आ जाओ हनी को लेके कभी भी, और लड़के देख लो आके, हमारी नज़र में तो अच्छे ही है मतलब। तो फिर डैडी, फिर 1 तारीख को मैं और मम्मी यहाँ से निकले, 2011 1 नवंबर को यहाँ से रिजर्वेशन था हमारा। तो हम लोग आगरा जाके सीधा आगरा उतरे, और वहां से मेरे डैडी अहमदाबाद से डायरेक्ट आगरा आए, क्योंकि वो वहां पे पोस्टेड थे उस समय, तो वो अहमदाबाद से डायरेक्ट आए। मैं यहाँ से गई मम्मी डैडी मतलब मम्मी के साथ। तो फिर वहां पे 1 को निकले, 3 को पहुंचे, तो 3 तारीख को मेरा पहला इनको देखना था, 2 तारीख को एक और लड़का था, और 3 तारीख को एक और लड़का था। इस तरीके से मतलब 3 तारीख को नहीं, 3 तारीख को इनका फिक्स था, 4 तारीख को एक लड़के का फिक्स था, 5 तारीख को एक और लड़के का फिक्स था, और 6 तारीख को रिजर्वेशन था वापसी का हमारा। तो जब वहां गए तो फर्स्ट डे इनको देखने गए, और मेरे को चश्मा लगा हुआ है, मेरी नजर थी तब भी कमजोर, पर ये चीज मेरे ससुराल वालों को पता नहीं है ना पता। अब मेरे ख्याल से जब वो वीडियो देखेंगे तब उन्हें मालूम पड़ेगी कि वीक तो मेरी तब भी थी, इनफैक्ट 3 साल चश्मा न लगाने की वजह से और ज्यादा वीक हो गई थी मेरी आंखें। तो क्या कहते हैं, तो ऐसा हुआ कि हम लोग मतलब वहां पे फोन आया डैडी का कि ऐसे ऐसे हम लोग आ गए। तो वहां से हमारे मेरे पापा का कॉल आया मतलब मेरे ससुर जी का, कि आप एक काम करो घर पे नहीं आते मिलने के लिए, एक काम करते यहाँ पे एक पार्क है बहुत अच्छा सा, वहां पे आप हनी को लेके आ जाओ, हम लोग भी विमल को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे करके वहां मेरे दोनों मेरे भाई लोग मतलब मेरे कजन ब्रदर दोनों, और मेरे डैडी और मैं और मेरी मम्मी, इतने लोग हम इस तरफ मतलब मेरी साइड से गए, और उधर से इनके बड़ी सिस्टर, इनके जीजा जी, उनका बच्चा, और मेरे इन लॉज आए। तो इतने लोग आए, तो दूर से जब ये चल के आ रहे थे अपनी दीदी वगैरह के साथ, तो मैंने उस समय चश्मा नहीं लगा रखा था, क्योंकि मैंने वो चीज़ छुपाने की कोशिश की थी कि मेरे को चश्मा लगा हुआ है। तो मैं दूर से मैंने इनको देखा, मुझे ये कुछ नजर ही नहीं आया, मेरे को एकदम धुंधला धुंधला दिखाई पड़ा, पर मैंने कहा चलो पास आएंगे तो देख लेंगे। पर फिर इन्होंने तो चश्मा लगा रखा था, इन्होंने तो दूर से देख लिया मुझे, और मैं भी इनको पसंद भी आ गया था, तो इनकी तरफ से एक तरीके से उस समय हाँ हो रही थी। तो इन्होंने फिर सब लोग, डैडी ने बोला कि चलो यहाँ बैठ के बात बात कर लेते हैं, फिर एक जगह बैठे सब लोग। तो बैठने की जो पोजीशन थी वो भी ऐसी थी कि मेरे को वो नजर नहीं आया बिल्कुल, मेरे बगल में मेरे दोनों भैया, और फिर मेरी मम्मी इधर, मेरे भैया दोनों, और उसके बगल में जाके बैठ गए वो। तो वो अब मैं कैसे उनको नजर घुमा के देखूँ, अच्छा थोड़ा लगता है कि डायरेक्ट ऐसे लड़के को देखने लगे, हमें उस समय थोड़ा अटपटा लगता था, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि कैसे देखा जाए। तो फिर हमने उधर देखा नहीं, तो हमें वो नजर ही नहीं आए। अब भैया जो भी पूछा पाछी करनी थी वो सब हो गया, सब बातचीत हो गई, और फिर उसके बाद जाने की बारी, जब घर वापस जाने की बारी आई, तो वहां पे क्या हुआ, मैं आगे आगे जा रहा मेरी मम्मी के साथ, ये अपने जीजा जी के साथ पीछे पीछे आ रहे, तब भी मेरा नंबर नहीं पड़ा जो मैं इनको देख लूँ। और मैंने इनको साइडवेज खड़े देखा था, क्योंकि इनके मम्मी पापा जैसे खड़े हुए ना, मतलब हम लोग बातचीत करके जैसे खड़े हुए ना, तो मैं उस समय बैठा ही हुआ था नीचे, और ये लोग खड़े हुए जैसे ये लोगों ने कुछ डिस्कस कर रहे थे, इतने में मैंने इनकी तरफ देखा तो ये उस तरफ मुंह करके खड़े, इनका हल्का सा ये पोर्शन मुझे नजर आया, बस इतना ही मेरे को दिखाई पड़ा। मैं ये कह रही ये इधर मुड़ जाए तो मेरे को शायद नजर आ जाए, पर वही है कि वो नजर ही नहीं आए। फिर उसके बाद भैया हम लोग घर पहुंच गए, घर पे इनके पापा के साथ कॉल वॉल आया, जैसे क्या कि हमें पसंद है, या डैडी ने कॉल किया पता नहीं कि किसने कॉल किया कि करना है कि नहीं करना जो भी। तो फिर डैडी ने मुझे आके बोला, क्योंकि पसंद तो मैं कहीं ना कहीं था इनकी फैमिली को, तो डैडी ने आके मुझे बोला कि तुम पसंद हो उनको करके, तुम बताओ कैसा है लड़का क्या है। तो डैडी की जो बोलने का तरीका था हम तभी समझ गए कि ये चाह रहे हैं कि हम हाँ बोलें। तो डैडी बोल रहे हैं और बेटे ठीक तो है ही लड़का, और तुम बताओ कैसा लगा तुमको।
हमने कहा देख के ही मालूम पड़ रहा है कि आप चाह रहे हो क्या, पर मैंने मन में ये बात सोची, बोला नहीं, मैंने कहा आपको जो ठीक लगे सो कर दो, ठीक ही है, मतलब अगर आप लोग को ठीक लग रहा है तो सब कुछ ठीक है। और मेरे डैडी जाके उसी दिन रात को जाके वो रोका बोलते हैं पंजाबियों में, वो रोका बोलते हैं, हमारे यहाँ रोका ही बोलते हैं, जाके करके आ गए। नेक्स्ट डे 4 तारीख को, मतलब 3 को, हाँ 4 तारीख को हम लोग निकल गए अपनी नानी के यहाँ पे, क्योंकि लड़का फिक्स था तो बाकी के लड़के देखने का वैसे ही कैंसिल कर दिया था बिल्कुल। तो अब हम लोग चले गए नानी के यहाँ, वहां पे कॉल आया मेरे पापा का कि 6 तारीख को एंगेजमेंट कर लेते हैं। तो 5 तारीख को हम लोग वापस आ गए, पर उस समय कोई हॉल वॉल बुक इतनी इमरजेंसी कैसे बुक करा जाए ये वो, तो काफी लफड़े वफड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई टेंशन मत लो, आप भाई के घर पे ही, मतलब ताऊ जी के घर पे ही, आप लोग भी 4-5 लोग आप लोग हो जाओ, 4-5 लोग हम हो जाते हैं, ऐसे छोटी मोटी बस रिंग सेरेमनी कर देंगे। तो इस तरीके से फिर करीब 5-6, मतलब मेरे डैडी के भी जो आसपास में रिलेटिव रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा, गुड़गांव और मथुरा, इधर के 2-4 लोग बुला लिए डैडी ने, तो करीब 15 लोग हमारी साइड से हो गए, करीब 15 लोग उनकी साइड से हो गए, उनकी छोटी दीदी वगैरह भी आ गए तब तक, फिर वो लोग हो गए। तो इस तरीके से ये हमारी रिंग सेरेमनी हो गई। उस दिन भी हमारे चश्मा नहीं लगा था, तो ये सामने से निकल के आए, ये मेरे बगल में बैठ गए। अब आके बैठ गए, रिंग पहनाने के वक्त भी मैंने इनकी तरफ देखा नहीं कि मेरे जिससे शादी हो रही, मैंने उसको देखा ही नहीं। अब उसको मैंने उनको रिंग भी पहना दी, और उसके बाद अब समझ में ही नहीं आया कि क्या, मतलब क्या कैसा लड़का है, क्योंकि अभी तक तो एक बार भी नजर पड़ी नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आई शक्ल कैसी है, क्या है। अब भैया हो गई रिंग सेरेमनी भी, और मेरी बहन का सुबह कॉल आया, जिधर रिंग सेरेमनी होनी थी रात को, और मेरी बहन का कॉल आया, वो मुझ पर चिल्लाए जाए कि तू कैसे ऐसे कर सकती है, हम मैं और भैया तो हैं भी नहीं, मतलब मेरे भैया और बहन थे ही नहीं, मेरी एंगेजमेंट में है ही नहीं वो दोनों। पर उसको समझाना पड़ा कि भाई इतना सिचुएशन इमरजेंसी वाली पड़ी रही है, तो अब तुम दोनों कहाँ से आ लोगे इतनी जल्दी, अब रात को है, मतलब कैसे होगा जो भी है, मतलब। तो फिर इस तरीके से वो मना वना के वो करा गया। फिर भैया हमारी शादी का निकला था 3 महीने बाद का, 3 महीने बाद का। पर मैं जब बैंगलोर लौट के आ गई, उसके बाद फिर मैंने, मेरे को वेट इस बात का था कि जो फोटोज वगैरह खींचे गए हैं तो मुझे वो फोटोज आएंगे जब, तब मुझे पता चलेगा लड़के की एक्चुअल शक्ल है कैसी। फिर भैया हमको करीब 2-4 दिन बाद फोटोज आए, तब हमने जब फोटो देखा, तब मैंने मम्मी से कहा मम्मी फीचर्स वगैरह तो अच्छे हैं लड़के के, तो मम्मी ने कहा तो और क्या, तुमने क्या देखा नहीं, मैंने कहा हमने यार कहीं नहीं देख पाया, हमें नजर ही नहीं आया बिना चश्मे के, क्या बोले। तो भैया मम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो फिर तुम्हें पसंद है, मैंने कहा हाँ ठीक ही है। तो फिर ऐसे करके फिर 3 महीने बाद हमारी शादी फिक्स हो गई, वो भी जनवरी में। अब बैंगलोर में रहने वाले बच्चे जो 18-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब आगरा जाएंगे वहां शादी करने, तो फिर हम जैसे लोग, ऐसे दुबले पतले लोग, तो हालत तो खराब होगी। फिर भैया हम शादी 27 जनवरी को हमारी शादी हो रही थी, और इतनी ठंड पड़ रही थी, इतनी बुरी वाली, कि इन्होंने तो अपने मतलब इनर विनर पता नहीं क्या क्या पहन रखा, और हम हमारा जो स्टेज के ऊपर ना नर्वस भी थे, और प्लस ठंड भी लग रही थी, हमारा ये राइट साइड का घुटना, ये मतलब ये पूरा पैर हिलना शुरू हो गया, ऐसे 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 हिल रहा, अब इतना हिल रहा, मेरी बहन भी मेरा घुटना पकड़ के बैठी कि इसको रोक ले कैसे भी करके, रोक ले रोक ले। और मेरी बड़ी वाली दीदी भी, वो मेरी जो मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी पकड़ के बैठी कि क्या कर रही है हनी, ऐसे मत कर, नहीं तो कोई क्या सोचेगा कि हम कैसी बहू लाए हैं, कि इसको कुछ बीमारी है। मैंने कहा इनको बीमारी की पड़ी, यहाँ पैर नहीं रुक रहा है बिल्कुल, ठंड के मारे या डर के मारे या जो भी, मतलब। तो ऐसी ऐसी कंडीशनों में हमारी शादी हुई भैया, फिर शादी हो गई जनवरी में इतनी कड़ाके की ठंड में, फिर भी हम जिंदा बने रहे तो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग तो जैसे ही जब शादी के 5-6 दिन पहले जब आगरा पहुंचे थे ना, मैं और मेरी सिस्टर दोनों बीमार पड़ गए, उस वो भी और मैं भी, इतनी तबीयत खराब, क्योंकि ठंड की वजह से, वही ठंड हमको बिल्कुल सूट नहीं करती। तो भाई बस यही थी हमारी शादी की जर्नी, मतलब जो भी आपको थोड़ा कैसा भी लगा हो, इंटरेस्ट आया या नहीं आया, मुझे कमेंट के थ्रू बताना जरूर। और अगर मेरे मतलब मेरी स्टोरी आपको, मतलब स्टोरी नहीं कह सकते, मतलब सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये, वैसे ही ऐसा स्टोरी नहीं कह सकते। तो जो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ये चीज उनके लिए नहीं है, बट दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, प्लीज शेयर। आप लोग शेयर करोगे तभी तो मुझे और लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, और अपने और भी जो मेरे अंदर जो भी टैलेंट है या जो भी है वो दिखाने का मौका मिलेगा, या फिर जो भी चीज़ मैं जो किसी से कह नहीं पाती हूँ वो कहने का मौका मिलेगा। तो फिर मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी आप वीडियो को जरूर देना, और बाकी थोड़ी देर बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे, क्योंकि अब हम लोग शाम को देखो हस्बैंड का तो आज सेमिनार है, वो उनका कुछ है सेमिनार, डॉक्टर है ना वो, तो उनका कुछ सेमिनार है, एक्यूपंक्चर का कुछ है पता नहीं क्या, तो वो वहां गए हुए हैं। अब वो रात में कितने बजे तक लौटेंगे पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, पर जब भी वो आएंगे फिर हम लोग अगर कहीं घूमने फिरने गए तो फिर वहां की भी थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मेरे मेरे भी जो फैमिली है वो कहीं अभी इमरजेंसी में फंसी हुई है, कहीं गई हुई है, तो वो लोग है नहीं, तो मैं एक तरीके से अकेला ही हूँ बिल्कुल। तो अब आप ही लोग हो जो मेरे साथ हो, तो फिर
अपना भाई हमको कमेंट के थ्रू विश जरूर करते रहना, थोड़ा हमारा से दिल रखा रहेगा है ना, थोड़ा मन लगा रहेगा। यही हमसे, हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे बस, थोड़ा मन लगा देना हमारा, नहीं तो हम बड़े दुखी हैं आज, कितना दुखी हैं देखो दिख रहा है ना हमारा चेहरा, बहुत दुखी हैं हम। और बाकी तो खैर कुछ नहीं है कहने के लिए, जितना था वो मैंने कह दिया। हालांकि बातें तो और भी बहुत है, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट शॉर्टकट में आपको सुना दिया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज मेरी एनिवर्सरी है और मेरी फैमिली है नहीं यहाँ पे, मतलब वो कहीं गए हुए हैं किसी किसी काम से, तो आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और हम लोग अब जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर, तो सोचा आप लोगों को जाते जाते पहले थोड़ा बता ही दे, ताकि आप ही लोग विश कर दो हमें, हमें तो कोई विश करने वाला भी नहीं है। चलिए फिर निकलते हैं हम, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे रेस्टोरेंट में सीधा। और मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया सुबह से, कभी रेड रोज ला रहे हैं कभी व्हाइट रोज ला रहे हैं, अभी भी देखो कहीं गए हुए हैं। बा सुनो, हाय तो करो आके मेरे फ्रेंड्स लोगों से। बा बा हाँ बा, ये देख लो हैप्पी एनिवर्सरी। सुबह से मेरे को ये तीसरी बार फ्लावर्स मिल रहे हैं, तो सेम टू यू। चलो तो गाइस अब हम चलो लोग अपने निकल रहे घर, हैं रेस्टोरेंट के लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं, वहां जाके मिलते हैं बाद में आके बात करते हैं। बाद में आके। चल हाँ अभी इनको वहां रख दो पूरा दिन फ्लावर फ्लावर। चलिए गाइस फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 5 मिनट्स बाद, ठीक है ना। ओके गाइस कार निकाली जा रही है, हस्बैंड मेरे कार निकाले हैं, हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। और फिर थोड़ा बहुत हम लोग रेस्टोरेंट में बात करेंगे, और बाकी के लिए अभी के लिए फिलहाल के लिए थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आज मैं लग कैसे रही हूँ मुझे ये भी बताना, मैंने थोड़ा आज थोड़ा ट्रेडिशनल थोड़ा ट्राई किया पहनने के लिए, ट्रेडिशनल तो नहीं कह सकते पर जो भी है, मतलब आप देख के बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी हम लोग मिलते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है ना। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमको पहुंचना था, हस्बैंड अभी कार थोड़ा पार्क कर रहे हैं और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। और गाइज हम लोग अभी इतना कम से कम 1 घंटा हो गया है घूम घूम के पूरा देख रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट तो ऐसा हो थोड़ा जहाँ रश कम हो। आज संडे है क्योंकि तो बहुत रश है, पूरा भरा हुआ है खचक जी। पहला एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो हमको थोड़ा हल्का खाली मिला, क्योंकि मे बी हम लोग लेट हो गए, 10 बज गए लगभग ऑलमोस्ट, तो इसलिए वो खाली मिल गया हमको। तो मैंने कहा चलो कम से कम डिनर करके ही जाएंगे, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज एनिवर्सरी वाले दिन लगता है बिना डिनर करके ही सोना पड़ेगा या फिर मैगी बना के खानी पड़ेगी। तो फिर गाइस फाइनली मुझे रेस्टोरेंट मिल गया है, अब हम लोग खाएंगे, खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। गाइज थोड़ा खाना आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक सोचा आप लोगों से बातें कर लें, हमारे हस्बैंड से थोड़ी बातचीत आप चाहे तो कर सकते हैं। हमारे हस्बैंड ये रहे, हमारे हस्बैंड हाय करो बेटे, हाय करो। इसका तो कुछ काम है ही नहीं, आप लोग जानते हैं, एज़ यूजुअल अपना फ़ोन में लगे हुए हैं। हाँ लेकिन आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे आपको जो बात करनी है जो पूछना है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगे लगा या लगेगा जो भी है, मतलब आप मुझे पक्का बताइए कमेंट करके, और मुझे एनिवर्सरी विश कर देना, कल कर देना है तो आज वैसे, पर आप कल कर देना। और अभी मुझे फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है, पहले खाना खा ले उसके बाद थोड़ा ये सोचेंगे, नहीं तो मेरे को भूख की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जाए, इसलिए थोड़ी देर बाद आपसे बात करते हैं। तब तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, कैसे इसका करवा टेस्ट आ रहा है? टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है क्यों? आपने ही तो ये मंगाया ना, खा लो बेबी कॉर्न मंचूरियन खा लो। अभी थोड़ी देर में अच्छा। सो गाइस जो मैंने आपको सुबह अपना एल्बम दिखाया था, और क्या कहते हैं जो मैंने आपको थोड़ी सी अपनी थोड़ा सा अपना स्टोरी बताया था कि हमारी शादी कैसे हुई थी, आपको उसको सुन के कैसा लगा मुझे आप कमेंट के थ्रू बताना। इंटरेस्ट मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगी या बोरियत लगी, मुझको सब जानना है, बताना ज़रूर मुझे। बाकी आगे भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट के थ्रू। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे बहुत मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। खाते वक्त मेरे वीडियो बनाए जा रहे हो, लड़कियां खाते वक्त अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल। सो गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं, हमारा आज का डिनर तो हो गया, थोड़ा
थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था क्योंकि फैमिली वॉज नॉट देयर, पर चलो फैमिली बिजी थी कहीं, उनके बिना ही मैनेज कर लिया हमने। सो गाइज वी आर बैक, हम लोग आ चुके हैं घर वापस। अकेले थे, थोड़ा अच्छा तो उतना नहीं लग रहा था, बट फिर भी मजबूरी थी क्योंकि आप फैमिली आज बिजी थी करके, क्या कर सकते हैं। फैमिली का भी कहीं इम्पोर्टेंट कहीं जाना था उन लोग को, तो फिर वो लोग वहाँ गए, हम लोग यहाँ अकेले, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बुरा तो लग रहा था बट कोई बात नहीं, आप लोग हो ना मेरे साथ, मैं आप लोग के साथ, मैंने ये सोचा आप लोग सब मेरे साथ हो, मुझे सब लोग देख रहे हो और मनी मन सब लोग मुझे विश कर रहे हो, मैंने तो यही सोच लिया था। तो फिर आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में अच्छा अच्छा कुछ लिखना ताकि मेरा मन खुश हो जाए, थोड़ा दुखी हूँ ना तो आप मेरा मन खुश कर देना, अच्छा अच्छा कुछ लिखना ठीक है, और मुझे एनिवर्सरी विश ज़रूर कर देना। चलिए टिल देन बाय बाय।